प्लस वन फिजिक्स। आज का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल। तो ये प्रोजेक्टाइल है, यहाँ से नीचे से फेंका इसको, तो ये इसकी ट्रैजेक्टरी होगी ओ ए बी। यहाँ से यहाँ तक ये ऊपर गया है, अप गया है, यहाँ से डाउन आया है। तो यहाँ को इसको बोलेंगे मैक्सिमम हाइट का पॉइंट, जहाँ के ऊपर वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी जीरो। फिर ये यहाँ से आया, ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसे बोलेंगे डिसेंट। ये हो जाएगा असेंट और ये हो जाएगा डिसेंट। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस होगा ये होगा आर। आर मीन्स हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इसे फेंका गया इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ एट एन एंगल थीटा। इसकी वेलोसिटी को हमने सप्लिट कर लिया यू कोस थीटा अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और यू साइन थीटा अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। अब हम सभी चीज़ें निकालेंगे, तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट निकालना है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कौन सी है, एक्स वाली है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए हम यही एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज करेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इस इक्वेशन के अनुसार एस तो क्या हो जाएगा एक्स, यू वेलोसिटी यू कोस थीटा और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन के अंदर क्या होगा जीरो। तो इसके अंदर अगर हम पुट अप करते हैं तो एक्स यू यू की जगह यू कोस थीटा इंटू में टी, ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट एनी टाइम। अब यहाँ से अगर हम टी की वैल्यू निकालते हैं तो ये यहाँ मल्टीप्लाई है, डिवाइड आ जाएगा, ये टी की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, यही इक्वेशन लेकिन इसमें एस इज इक्वल टू वाई और यू क्या हो जाएगा वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अपवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस का जी। तो पुट करेंगे हम वाई यू साइन थीटा इंटू में टी माइनस प्लस हाफ माइनस में जी इंटू में टी स्क्वायर। यू साइन थीटा टी की वैल्यू पुट अप कर देंगे एक्स वाई में यू कोस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एक्स वाई में यू कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो वाई इज इक्वल टू यू से यू कैंसिल आउट, साइन बाई कोस टेन थीटा इंटू में एक्स माइनस हाफ जी एक्स का स्क्वायर और वाई में यू कोस थीटा का स्क्वायर, तो यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमारा वेरिएबल किसमें आया एक्स स्क्वायर में। तो ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, जो वो पाथ होगा प्रोजेक्टाइल का वो पाथ क्या होगा पैराबोलिक। क्यों, क्योंकि इक्वेशन हमारी किसमें आ गई वेरिएबल के स्क्वायर में। अगर मैक्सिमम हाइट अटेन बाई प्रोजेक्टाइल, ये कितनी मैक्सिमम हाइट लेगा, इसके लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अगर ये एच मैक्सिमम अपना वाई डायरेक्शन में है तो वाई के लेके चलेंगे यू साइन थीटा। फाइनल वेलोसिटी वी एट पॉइंट ए जीरो हो गया, एस क्या हो गया एच और एक्सेलरेशन क्या माइनस जी, इसके अंदर हम पुट कर देंगे जीरो का स्क्वायर यू साइन थीटा का होल स्क्वायर टू ए की जगह माइनस जी और इंटू में एच। तो माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस में टू जी एच, माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो एच की वैल्यू क्या आ गई टू जी इधर आ गया डिवाइड यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वाई में टू जी। उसके बाद हमने निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ, इट इज़ द दैट टाइम इन विच प्रोजेक्टाइल रिमेन इट्स फ्लाइट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का आने का जो टाइम है। तो इसमें क्या होगा अपना एस इज इक्वल टू क्या होगा जीरो। हम वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, जमीन से प्रोजेक्टाइल चला जमीन पे आ गया तो एस क्या होगा जीरो। अब एक्स डायरेक्शन की बात है तो यू क्या हो जाएगा यू कोस थीटा और ए क्या हो जाएगा माइनस जी और टी क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट इस इक्वेशन के रिगार्डिंग। अब हम इसमें पुट करेंगे जीरो, यू की जगह यू
साइन थीटा इंटू में टी टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस में हाफ ए की जगह माइनस जी इंटू में टी स्केयर और टाइम ऑफ फ्लाइट का स्केयर। तो यू साइन थीटा इंटू में टी माइनस हाफ जी टी स्केयर इजिकल टू जीरो, तो हाफ जी टी स्केयर को उधर ले जाएंगे प्लस का हो गया यू साइन थीटा इंटू में टी एक टी से एक टी कैंसिल आउट हो गया तो टी की वैल्यू क्या जाएगी यू साइन थीटा टू मल्टीप्लाई और जी डिवाइड में, तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई टाइम ऑफ फ्लाइट की। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का जो प्रोजेक्टर यहाँ से चला यहाँ पे टेक ऑफ हुआ तो एक्स डायरेक्शन के अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो इसके लिए हम इक्वेशन लेकर चलेंगे एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस तो क्या होगा यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट आर, यू क्या होगा एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी यू कोस थीटा, एक्सीलरेशन क्या है इस डायरेक्शन में जीरो और टी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है वो टाइम ऑफ है फ्लाइट। इसके अंदर हम पुट अप करेंगे एस की जगह क्या आ गया आर यू कोस थीटा इंटू में टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट हाफ ए की जगह जीरो इंटू में टी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होगा खत्म होगा जीरो, तो आर इज इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू में टी टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू जो आई है वो हम पुट अप कर देंगे यू कोस थीटा एज इट इज टी की जगह टू यू साइन थीटा वाई में जी, तो टू यू इंटू में यू यू स्क्वायर इंटू में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा डिवाइड बाई जी। एक फार्मूला होता है टू साइन एक्स इंटू में कोस ऑफ एक्स, एंगल सेम हो तो साइन ऑफ टू एक्स, तो यहाँ पे थीटा है तो आर क्या हो जाएगा यू स्केयर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग साइन टू थीटा वाई में जी, ये हो गया। अब हमें निकालनी है आर मैक्सिमम, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मीन्स सेम वेलोसिटी से कोई दो पर्सन है वो ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं तो किसका मैक्सिमम जाएगा वो डिपेंड करेगा एंगल पे। आर मैक्सिमम के लिए क्या होगा हमारा वेलोसिटी अगर हम सेम रखें आर मैक्सिमम के लिए ये मैक्सिमम होना चाहिए मीन्स साइन टू थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है वन, तो साइन टू थीटा इज इक्वल टू वन है तो वो साइन 90 पे होता है, टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री थीटा की वैल्यू क्या आ गई 45। मीन्स दो पर्सन हैं सेम वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं तो किसका ऑब्जेक्ट दूर जाएगा जो एंगल 45 डिग्री पे फेंकेगा उसका ऑब्जेक्ट है वो सबसे ज़्यादा दूर जाएगा। थैंक यू।